हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फिर से वेलकम है अपना चैनल ऐसे इलेक्ट्रिक पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है सीलिंग फैन का जो बैरिंग है हमारा जाम हो गया, जिससे हमारा फैन स्लो चल रहा है। तो उस बैरिंग की रिपेयरिंग करना यानी ग्रीसिंग करना है, तो कैसे करेंगे इस वीडियो में आप लोग को फुल जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैंने बहुत सारा वीडियोज़ बनाया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन है उसे दबाकर अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जब भी मैं कोई वीडियोज अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप लोग देख सके। फ्रेंड्स, अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाइएगा, चैनल पे क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में टोटल आपको पूरा वीडियोज मिल जाएगा, आप सीरियल बाय सीरियल देख सकेंगे। तो दोस्तों, इस सीलिंग फैन का बैरिंग जाम हो गया, जिससे हमारा फैन स्लो चल रहा है, तो इसे हमें फ्री करना है। इसमें बैरिंग में जो लगा ग्रीस था वो ग्रीस सूख गया है, तो चलिए फ्री करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितना हमारा स्क्रू लगा है, स्क्रू को फटाफट खोल लेंगे। स्क्रू को खोलने के बाद कवर को निकाल लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा ये जो बैरिंग है ये एकदम जाम हो गया है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी इसका जो ग्रीस था ग्रीस सूख गया है, तो इसी को हम सही करेंगे। जो हमारा नीचे का बैरिंग है वो हमारा थोड़ा सही है, ऊपर का हमारा ज़्यादा जाम हो गया है। उसके बाद रोटर को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऊपर वाला बैरिंग है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो बैरिंग को अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेना है, सेफ्टी से निकालना है कि हमारा जो कवर है फूटे ना। आप देख सकते हैं कि बैरिंग हमारा कितना जाम है, इसमें जो ग्रीस लगा था ग्रीस एकदम सूख गया है, जिससे हमारा ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसे मिट्टी के तेल में डाल देना है। बैरिंग को कुछ समय तेल में डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। तो बैरिंग को अच्छी तरीके से हमने साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा अच्छी तरीके से घूम रहा है, एकदम फ्री हो गया है। उसके बाद बैरिंग को अच्छी तरीके से सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, यानी साफ कर देंगे कि हमारा उसमें तेल ना लगा हो। और सूखे कपड़े से साफ करने के बाद ग्रीस अच्छी तरीके से बैरिंग में लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा कवर है जिसमें हमें बैरिंग लगाना है, उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे, जिससे कि हमारा बैरिंग लगाने में आसानी हो जाए। बैरिंग को एकदम सेंटर में रखना है, बीच में रखना है, और रखने के बाद हथौड़ी लेंगे और हथौड़ी से बराबर चारों तरफ अच्छी तरीके से ठोक ठोक कर बैठा देंगे।
वायरिंग लगाने के बाद एक बार घुमा के देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऊपर का बैरिंग था उसे हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है, तो हमारा नीचे का जो बैरिंग है वो हमारा बाहर नहीं निकल रहा था, तो फ्रेंड्स हमने उसी में ही सावधानी से उसे साफ कर दिया। अच्छी तरीके से मिट्टी के तेल में उसे डाल दिया था और उसे अच्छी तरीके से ब्रश से साफ कर दिया। उसके बाद कपड़े से अच्छी तरीके से बैरिंग को साफ कर देंगे। साफ करने के बाद बैरिंग घुमा के चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद बैरिंग में ग्रीस को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। ग्रीस लगाने के बाद नीचे का कवर लेंगे और उसके बाद स्टेटर को अच्छी तरीके से उसमें लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बैरिंग बिल्कुल फ्री हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हथौड़ी लेंगे, हथौड़ी से हल्का हल्का ठोकेंगे कि जिससे हमारा बैरिंग अच्छी तरीके से बैठ जाए। बैरिंग को फिट करने के बाद उसे नचाकर चेक कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा बैरिंग जो है अच्छी तरीके से घूम रहा है पहले से ज्यादा। उसके बाद रोटर को अच्छी तरीके से लगा देंगे और रोटर लगाने के बाद स्टेटर को अच्छी तरीके से घुमा के चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर तरीके से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। रोटर लगाने के बाद कवर लेंगे और कवर को प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। उसके बाद स्क्रू लगा के फुल टाइट करेंगे, ढीला नहीं रखेंगे। स्क्रू लगाने के बाद पैन को घुमा के चेक कर लेंगे। ये फाइनली आप चेक कर लेंगे हमारा अच्छी तरीके से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि बैरिंग हमारा पहले से अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका किसी तरह का सवाल या सुझाव देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन है उसे दबाकर अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।